चार सोवराज काठमांडू जेल से रिहा होने वाले हैं। उन्होंने अपना पूरा टर्म तो नहीं सर्व किया, लेकिन 75% सर्व कर लिया। और 70 साल की अगर उम्र उससे बड़े हों तो फिर नेपाली लॉ में एक क्लॉज है जिससे आपको रिहा कर दिया जा सकता है। उनको आपको याद होगा कि वो दिल्ली की में भी उन्होंने तिहाड़ जेल में कोई 22 से ज्यादा साल बिताए थे। उस समय एक फ्रेंचमैन ड्यूक सोलोमन की हत्याकांड में उनको इम्प्रिजन किया था। उन्होंने अपना पूरा टर्म सर्व किया, एक जेल ब्रेक भी की थी, लेकिन वो जेल ब्रेक इससे की थी क्योंकि थाईलैंड में उनके खिलाफ एक वारंट था जिससे उनको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, पर उस वारंट में टाइम लिमिट था, इसीलिए उन्होंने जेल ब्रेक की और जल्दी से पकड़े भी गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो भारत में ज्यादा देर तक रहें और वो थाईलैंड का वारंट मिस हो जाए। फिर वो नेपाल गए, नेपाल 2003 में गए और कसिनो में वो पकड़े गए। क्यों उन्होंने वापस नेपाल गए जब उनको पता था कि उनके खिलाफ एक है केस पेंडिंग, ये हमें पता नहीं। लेकिन उस समय जब 75 में वो नेपाल गए थे, वो एक डचमन की आइडेंटिटी के साथ गए थे, हर्निकस बिंतजा के नाम पे पासपोर्ट से गए थे। तो जब 2003 में पकड़े गए तो उन्होंने कहा भाई मैं तो पहली बार ही आया हूँ। लेकिन विश्वालाल श्रेष्ठा है जो पुलिस ऑफिसर थे, जो उन्होंने उस समय भी उसका तहकीकात की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं से प्रूफ निकाला और उनके खिलाफ काफ़ी सबूत हुए। वैसे सोवराज को 14 से 19 मर्डर के इल्ज़ाम हैं चार कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन नेपाल में वो पकड़े गए और वहाँ पे उन्होंने जब 75 में जब उनका इंटरोगेशन पहली बारी हुआ था तो मुझे बताया था जो विश्वलाल श्रेष्ठा हैं कि उस समय बड़े कॉन्फिडेंट थे सोबराज और आए थे और इंटरोगेशन के अगले दिन फिर वापस आए कोई बहाना बना के, भाई मेरा कोई गोल्डन पेन रह गया है। वो देखना चाहते थे कि पुलिस के पास कितना सबूत है। उस समय सबूत नहीं था, लेकिन 2003 में जब वो सोबराज की आइडेंटिटी में वापस आए, नेपाली पुलिस बिल्कुल तैयार थी सबूत के साथ और उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार में करके उनको नेपाल में गोलघर खाना है वहां पे रखा गया जो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी सेल है, और उनको इतना डर था कि फिर से भाग जाएंगे कि उनको डेंटल विजिट के लिए भी बाहर नहीं ले जाते थे। उनकी घर वहीं पे जो उनकी ट्रीटमेंट्स होती थी कोर्ट केस की जो भी होता था प्रिजन में ही होता था, उनके बाहर नहीं ले जाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे इश्क लगाया, उन्होंने अपना जो उनके लॉयर हैं, लॉयर की बेटी निहिता विश्वास के साथ उन्होंने शादी भी की थी, और बहाने में मतलब दशहरे के दिन माँ थी लॉयर, माँ और बेटी प्रिजन में आए, एक थाली में सिंदूर विंदूर लेके उन्होंने सिंदूर लगाया और शादी करवा दी। उस समय भी उनकी माँ कहती थी कि मेरी बेटी बहुत ही इनोसेंट है, एक मिल्क डिप है, मतलब दूध से धुली है, और कई लोग जो होते हैं कैफे में कॉफ़ी में जाते हैं, लड़कों से मिलते हैं, मेरी बेटी तो जेल गई और जेल में लड़के से मिलके शादी करी। मैंने सोबराज से 90 से मैं उनकी ट्रेल में हूँ, मैंने काफ़ी उनके ऊपर कवर स्टोरीज भी करी हैं और उनके बारे में काफ़ी लिखा है। इनफैक्ट मेरे पास उनके पास हमारे नोट्स भी हैं, जो उन उस समय तो फैक्स मशीन थी तिहाड़ जेल में, तो वो मैं उनको मिलती थी जब वो कोर्ट अपीयरेंस में आते थे, अपने सवाल देती थी और वो फैक्स करके अपना जवाब मुझे भेजते थे। कभी भी उन्होंने एडमिट नहीं किया कि उन्होंने किसी को मारा है। तो इसलिए नेपाल में मैंने निहिता के थ्रू भेजा, मैं गई थी काठमांडू, मैंने कहा था कि जो आपके जो मर्डर केसेस हैं उनके बारे में बताइए कि आप क्यों खून करते हैं। तो निहिता ने बहुत जवाब दिया कि चार्ल्स बड़े दुखी थे कि आपने उनके खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि जो 12 मर्डर का केस है सब गलत है। और चार्ल्स सोबराज, निहिता मुझे उनके बारे में लिखती हैं, कोटिंग हिम सेइंग कि 12 मर्डर्स आर फॉल्स, आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी मर्डर, मैं किसी भी मर्डर के खिलाफ मुझे कोई प्रूफ नहीं है और ये सब बिल्कुल रबिश है, और आप इतने बकवास सवाल मुझसे कर रही हैं तो फिर मैं आपसे नहीं मिलूंगा। तो मतलब काफ़ी लीगली अपना केस उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा है, कभी नहीं एडमिट किया है कि उन्होंने खून किया। लेकिन जब जेल में थे तो फिर वहाँ इंडिया वाले जेल में, वहाँ पर भी उन्होंने एक लड़ाया था एक लड़की से, जो उस समय जैकलिन कस्टर थी, मेरे ख्याल एक अंडर ट्रायल थी, जर्मन थी। तो उनको भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, उनकी जो सारी चिट्ठियाँ हमारे पास पड़ी हैं जो उन्होंने लिखी थी उनके हाथ में, कभी एल्विस प्रेस्ली भी कहते हैं, कोट करते हैं, विल यू बी माई टेडी बेयर, बड़े रोमांटिक थे चार्ल्स सोबराज। और ऐसा भी लिखते हैं कभी वो पोएट्स, फ्रेंच फिलोसोफर्स पोट करते हैं, कहते हैं आई लव यू टुडे, आई लव यू टुमारो, विल इट बी मोर टुमारो, इस तरह का बड़ा अपनी तरह से लिखते हैं। फिर उनको ये भी लिखते हैं, जैकलिन को समझाते हैं कि मैं मीडिया को बोलूंगा अपने इश्क के बारे में, उनको हेडलाइंस देना बड़ा अच्छी तरह चाहता था, तो उनको समझाते हैं कि मीडिया को हम बोलेंगे, हम कैसे मिले, और मैं पूरी कहानी आपको लिख के बताऊंगा, आप बिल्कुल वैसे ही बोलिए और कुछ अपनी तरफ से नहीं, हम बड़े रोमांटिक वे में प्रेजेंट करेंगे और लोग आपसे पूछेंगे भाई आप इससे क्यों प्यार करते हैं, ये तो मर्डर है, तो आप कहना भी मैं इट इज़ नॉट फॉर मी टू जज हिम बट टू अंडरस्टैंड हिम, मतलब मेरा काम है उनको जज नहीं करना, उनको अंडर
स्टैंड करना। तो इस तरह की चिट्ठियां मेरे पास है पड़ी काफी, पूरा एक बैग मिला था हमें जब वो जेल से छोड़ के गए थे। तो जैकलिन को उन्होंने कहा था कि भाई ये चिट्ठियां को जला दो, लेकिन जैकलिन ने चिट्ठियां नहीं जलाईं और हम मीडिया के पास ये चिट्ठियां हमारे हाथ लगी। तो ये इनकी इनसाइट भी बहुत देती है कि किस तरह के इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ते बड़ा अच्छा है। उन्होंने जो राजन पिल्ले की डेथ के बारे में पीआईएल किया वो तो बिल्कुल लॉयर के लाइक है, पढ़ने लायक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, लेकिन फिर भी इतना का आदमी, इतना कोल्ड ब्लडेड किलर कैसे बना, क्यों मारते हैं, जस्ट क्योंकि पावर देता है उनको लोगों के ऊपर, नीचे भी पड़ते हैं, तो मैन एंड सुपरमैन की थ्योरी बड़ी अच्छी उनको समझ आती है। तो क्यों किया उन्होंने ये हमें पता नहीं, और ये सवाल पता भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तक उन्होंने एडमिट नहीं किया है। मेरे ख्याल उनके बायोग्राफर्स को शायद किया था, जो जूली क्लार्क और रिचर्ड नेविल हैं, पर उन्होंने शायद ये भी कहा था कि अगर कुछ सवाल करेंगे तो मैं कभी नहीं करूँगा कि मैंने एडमिट किया ये इस खूनों को। तो खून क्यों किया ये सवाल अभी भी बिल्कुल कायम है, एंड इसके वजह काफ़ी इंटरेस्ट भी है चार्ल्स ओबराज में, लेकिन चार्ल्स ओबराज इज़ फ्री वंस अगेन।